नमस्ते, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी शोल्डर्स के लिए। ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइजेस के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बाजार से या ऑनलाइन एक थेराबैंड मंगा लें, जो कि मैंने आपको पिछले नेक के वीडियो में भी पहले बताया हुआ है। आपको शोल्डर के लिए थोड़ा सा लाइट रेजिस्टेंस चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड रेजिस्टेंस वाला थेराबैंड ना लें। आप कोई सा भी जो मीडियम या लोअर लेवल का जो रेजिस्टेंस है जिसमें, वो वाला थेराबैंड लें, क्योंकि शोल्डर में थोड़ा सा शोल्डर में हार्ड वाले से शुरू में डिफिकल्टी हो सकती है। अब जो लोगों को फ्रोजन शोल्डर है या स्टिफनेस है शोल्डर में, तो वो पहले खाली हाथ से भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फिर जब थोड़ा सा हाथों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनने लगे एक हफ्ते बाद या 10 दिन में, फिर आप घर में कोई भी पानी की बॉटल हो, आपको वो लेके वो एक्सरसाइजेस पहले उनसे कर लीजिए, फिर आप उसमें भी ठीक हो जाए तो आप लाइट थेराबैंड यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लाइट थेराबैंड यूज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने लेवल के हिसाब से आप अपना चूज करिए। और जिन लोगों के शोल्डर्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, वो डायरेक्टली या तो लाइट वाला या मीडियम लेवल वाला थेराबैंड ले सकते हैं एक्सरसाइजेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आप थेराबैंड को आगे की तरफ अपने सीधे पैर से दबा लीजिए। उल्टे हाथ से आप थेराबैंड को ऐसे करके पकड़िए और सीधे हाथ का थंब को पहले नीचे की तरफ करके थेराबैंड को पकड़िए, और इस तरीके से आपका पाम नीचे की तरफ फेस कर रहा है जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसे आप एक्सहेल करके हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, जितना आपका हाथ ऊपर इजीली उठ पाए उतना ऊपर जाएंगे, और इनहेल करके धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। ध्यान रखिए हाथ को एकदम से ना नीचे झटक दें, एकदम से थेराबैंड को स्नैप ना होने दें, और कंट्रोल के साथ हाथ नीचे लाइए इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करके हाथ ऊपर लेके जाएंगे। जब हम हाथ को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट आपका हाथ और कंधे के जॉइंट से आए, आपकी गर्दन और कंधे के जॉइंट से ना आए। आप अपने कंधों को ऊपर ना उठाइए एक्सरसाइज करने के टाइम पे, नहीं तो उसमें मसल चेंज हो जाती है। और जब आप कंधों को अपने कानों से दूर रख के नीचे की तरफ रख के करेंगे तो ये आप एग्जैक्टली अपने शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप इसी तरीके से करें, एक्सहेल करके ऊपर, इनहेल करके नीचे। आप इसके 10 से 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको 10 रेपिटेशन करने में दिक्कत है तो आप 100% पहले 5-10 रेपिटेशन करिए और धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करिए, जितना आपकी बॉडी इजीली अलाउ करे। आपका करेक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करने में वैसे आप करते जाइए। इसके साथ हम चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे। इसमें थेराबैंड साइड से आएगा, वही पाम नीचे की तरफ फेस करेगा। शुरू में पाम आगे की तरफ, जो थंब है वो आगे की तरफ फेस कर रहा है, तो पाम्स आपकी तरफ फेस कर रहे हैं। एक्सहेल करके आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। इसमें भी आप ध्यान रखिए कि आप अपने कंधे को ना उठाएं, कंधे को कानों से दूर रखें, और ये मूवमेंट सिर्फ हाथ और शोल्डर के जॉइंट से आए, ना कि कंधे और गर्दन के जॉइंट से। वही इस एक्सरसाइज के भी आप शुरुआत, जितने आप पहली वाली एक्सरसाइज के करें आप वही रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें एक और बात कि आपका चेस्ट पूरी तरह से खुले हुए, चेस्ट पूरी तरह से खुला हुआ हो, कंधे आगे की तरफ ना झुक रहे हों, मतलब चेस्ट ओपन हो, पीछे शोल्डर ब्लेड्स कनेक्टेड हों। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करें और धीरे धीरे अपने शोल्डर के जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अगर आपसे पूरी तरह से हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो आप उतना खोलिए जितना आपका बॉडी अलाउ करे, लेकिन हर बार थोड़ा सा पुश ज़्यादा करिए ताकि आप धीरे धीरे फुल रेंज ऑफ मोशन अपने शोल्डर में ला सकें। इसमें भी आप ध्यान रखिए आप अपने हाथ को नीचे एकदम से गिरने ना दें। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज के लिए। इसको करते हैं, कहते हैं बेंट ओवर लैटरल रेज। इसके लिए आप थेराबैंड को सामने की तरफ दोनों पैर से दबा लें। अगर आपका थेराबैंड छोटा है तो आप एक पैर से भी दबा सकते हैं, दूसरा पैर पीछे रख सकते हैं। इसी को अब हम साइड से देखते हैं आपको बेंट ओवर कैसे करना है। ये देखिए आपका बैक पूरी तरह से ऐसे सीधा हो, राउंडेड ना हो,
कर्व ना हो, पूरी तरह से सीधा हो। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा एक पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है बेंट ओवर करने का सही तरीका। तो इस तरीके से आप बेंट ओवर करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रख के एक्सहेल करके आप हाथ को ऊपर लेंगे। आपके इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिए पाम नीचे की तरह सामने की तरफ ही फेस करें। जब आपके हाथ नीचे हों तो पाम्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और जब ऊपर जा रहे हैं तो पाम नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, थंब सामने की तरफ फेस कर रहा है। और इस एक्सरसाइज के भी आप 10-15 रेपिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको दोनों हाथ से ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो तो आप ये पहले एक आर्म से भी थेराबैंड के साथ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फिर भी दिक्कत हो तो आप बिना थेराबैंड के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्ड कर ले और फिर आप थेराबैंड के साथ ये फिर शुरू कर सकते हैं। अब इसके साथ हम चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पे। इसके लिए आप देखिए मैंने कैसे थेराबैंड को पकड़ा है। पहले पाम नीचे है, फिर मैंने टर्न करके पाम को ऊपर की तरफ फेस किया है, एल्बोस को अपने बॉडी के साइड में टक इन किया है और एक्सहेल करके मैं थेराबैंड को खींच रही हूँ, अपने पाम्स को अपने सामने से बाहर लेके जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि आपका जितने मूवमेंट हो आपकी एल्बो आपके टॉर्सो के से टच करी हुई रहे और एल्बो बाहर फ्लेयर आउट ना हो। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपके पीछे शोल्डर ब्लेड पूरी तरह से स्क्वीज हों जब आपके पाम्स बाहर जा रहे हों। इस एक्सरसाइज के भी आप रेपिटेशन 10 से 15 कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो शोल्डर स्ट्रेंथ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ये एक्सरसाइजेस करते रहे रेगुलरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल पे और पोस्ट नोटिफिकेशन के साथ ताकि आपको पता चले जब मेरा कोई नया वीडियो आए। तो ऐसे वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।